हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड। जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 11 जून से लेकर 20 जून तक का होगा। इसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक आ जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हर साल जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व बाल दिवस जो है 2002 से शुरू किया गया था। काम में लगे 5 से 17 वर्ष के आयु के बच्चे, उनके सामान्य बचपन, उचित स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त शिक्षा, खाली समय और बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं। जो बच्चे 5 से 17 उम्र के बच्चे जो है उनको जब वे काम में लगे रहते हैं तो सामान्य बचपन से, उचित स्वास्थ्य से, पर्याप्त शिक्षा उनको नहीं मिल पाती और एक बुनियादी, एक बेसिक जो लिबरलाइजेशन है यानी कि स्वतंत्रता है, उनसे वंचित हो जाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को चिन्हित करने का ये मूल उद्देश्य यही है। श्रम कार्यों में लगे 10 में से 9 बच्चे जो है एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में से है। इन महाद्वीप में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स, बच्चों की लेबर फोर्स मिलती है। निम्न आय वाले देशों में यानी जिन देशों की आय कम है उनमें बाल श्रम का प्रतिशत सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अफ्रीका में दुनिया में सबसे अधिक बाल श्रमिक बच्चे मिलते हैं। तो दोस्तों यह विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो कि 12 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को श्रम कार्यों से दूर करना है। सेकंड आ जाता है दोस्तों, भारतीय मूल की वैज्ञानिक ज्योति गुप्ता ने स्पाइनोजा पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक ज्योति गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार जो है व्यापक रूप से डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, डच क्षेत्र में। यह उन उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और असाधारण वैज्ञानिक योगदान का प्रदर्शन किया है। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर ज्योति गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अमृत जनरेशन अभियान, इसके बारे में पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान नामक एक प्रेरक पहल शुरू की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त और संलग्न करना है। अमृत जनरेशन अभियान देश के कोने कोने से युवा व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीलों को तैयार करके अपने सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अभियान युवाओं में समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। तो दोस्तों यह था अमृत जनरेशन अभियान, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फोर्थ आ जाता है, भारत, फ्रांस और यूएई, ये 3 देश हैं जो समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। पहली बार जो है भारत, फ्रांस और यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इनके बीच में ओमान की खाड़ी में, कहां पर, ओमान की खाड़ी में, यमन, ओमान अरब कंट्रीज है तो उसकी खाड़ी में यह अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की नौसेनाओं के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ, जो एक रणनीति समुद्री क्षेत्र है जो अपने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और भू राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया, यूएई के साथ। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, सागर समृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागर समृद्धि
ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो भारत के समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट यानी कि NTCPWC, तो इसके द्वारा विकसित इस अत्याधुनिक प्रणाली का उद्देश्य है देश की बंदरगाहों में ड्रेजिंग संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। सागर समृद्धि निगरानी प्रणाली जो है विभिन्न रिपोर्टों को संशोधित करती है, जो रिपोर्टें उनके पास आती है उनको एनालाइज करती है, जिसमें आ जाती है दैनिक ड्रेजिंग रिपोर्ट्स और पहले या बाद की सर्वेक्षण डाटा यानी कि इंस्पेक्शन डेटा उसके पास रहता है। कई इनपुट्स रिपोर्ट को एकत्रित करके इकट्ठा करके या वास्तविक समय में ट्रेसिंग रिपोर्ट तैयार करती है, इस जिससे निगरानी प्रक्रिया में अधिक तालमेल और दक्षता आ जाती है। तो ये काम है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट का, जो कि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग के लिए आंकड़े इकट्ठे करती है और उसके विकास के लिए दक्षता के लिए प्रभावशीलता के लिए काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है अटलांटिक घोषणा, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को विश्व की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक नया रणनीतिक समझौता किया है। अटलांटिक डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनाया है। इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक घोषणा की है। इस समझौते का फोकस चीन के बढ़ते प्रभाव, रूस की आक्रामक कार्रवाइयां जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है, दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक अस्थिरता से निपटना है, यानी मेन उद्देश्य इनका क्या है, चाइना और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है नासा ने स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। स्पेस गार्डन जो कि स्पेस स्पेस में बनाया गया है, स्पेस स्टेशन जो है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर एक स्पेस गार्डन को बनाया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नासा किसकी कंपनी है? नासा स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की सीमाओं से परे ताजा भोजन उगाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक अंतरिक्ष उद्यान यानी कि स्पेस गार्डन की सफलतापूर्वक खेती की है। स्पेस के अंदर उन्होंने गार्डनिंग की है और सफलतापूर्वक वहां पर खेती की है, रिजल्ट लेकर आए हैं। इस प्रयास ने वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रति उत्साही दोनों का ध्यान समान रूप से खींचा है। 2015 में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने वैजी सिस्टम को क्या वैजी सिस्टम को सक्रिय किया, जो एक विशेष पौधा विकास कक्ष है। वैजी सिस्टम क्या है? एक पौधा विकास कक्ष है, प्लांट डेवलपमेंट रूम है, जिसमें जीनिया के बीज होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। और ये किसके द्वारा बदला गया? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, उसके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया। पुनर्निर्मित नेहरू संग्रहालय भवन यानी कि इस संग्रहालय का दोबारा पुनर्निर्माण किया, जिसके अंदर क्या है, आगंतुक श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन की और महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए से तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शन देख सकते हैं। इसके अंदर वो सब प्रदर्शित किया गया है। तो मेन चीज याद रखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल के क्या रखा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नुसरत चौधरी कौन है, इसके बारे में समझते हैं। 15 जून को इतिहास रचा गया जब नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है। पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है। यह नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमरीकी जिला न्यायालय में काम करेगी। अमरीका के एक जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नुसरत चौधरी काम करेगी। इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में संघीय कानून के विभिन्न पहलू शामिल है और अक्षेत्र के भीतर न्याय को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नुसरत चौधरी कर्व से अपने बांग्लादेशी अमरीकी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि नुसरत चौधरी के कहाँ से बिलोंग करती है? बांग्लादेश से। नुसरत चौधरी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय और येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। और दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, जो 21 जून को मनाया गया। तो हर साल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग के लाभ के बारे में, योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2015 में। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है अभ्यास करने के लाभों में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है,
ताकि विश्व स्तर पर योग को और प्रभावशाली बनाया जा सके, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचार के लिए प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इंटरनेशनल डे जितने भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी होते हैं, वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? यूएनओ के द्वारा। और सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, अभी हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? श्रीलंका और पाकिस्तान। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के बाद एशिया कप 2023 की तारीखों और स्थानों की घोषणा कर दी गई है। तो एशिया क्रिकेट परिषद जो एशिया में क्रिकेट का आयोजन करती है, उन्होंने एशिया कप के लिए कब खेला जाएगा, कहां पर खेला जाएगा, इनकी घोषणा कर दी है। एशिया कप 2023 में कुल 13 मैच होंगे, जिसमें पाकिस्तान में 4 मैच होंगे और श्रीलंका में बाकी 9 मैच खेले जाएंगे। इसमें भाग लेने वाली टीमें कौन सी होगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, जो कि 31 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल मैच कब खेला जाएगा? 17 सितंबर को। सेकंड आ जाता है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन कहां पर चलेगी? राजस्थान में। तो राजस्थान के उदयपुर में गुलाब बाग में एक बार फिर से टॉय ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। टॉय ट्रेन के इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह नाथावत के अनुसार यह सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। यहाँ पर्यटक 25 से लेकर 50 रुपये के बीच में इस ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? फीफा का अंडर 20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो किसने जीता है? उरुग्वे ने। किसने जीता? उरुग्वे। उरुग्वे और पराग्वे क्या है? दक्षिण अमेरिका के कंट्रीज है। तो उरुग्वे की अंडर 20 फुटबॉल टीम ने इटली को 1-0 से हराकर पहला अंडर 20 विश्व खिताब जीता है। उरुग्वे वर्ष 2011 के बाद यह टाइटल जीतने वाला पहला दक्षिणी अमरीकी देश बन गया है। ब्राजील 2011 में यह टाइटल जीतने वाला आखिरी दक्षिण अमरीकी देश था। उसके बाद 2023 में दक्षिण अमरीकी देश ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है किसे BSF के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? नितिन अग्रवाल को। किसको? नितिन अग्रवाल को। तो IPS अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, जो किसका हेड रहेगा? BSF का चीफ रहेगा। नितिन 1989 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी है। अग्रवाल वर्तमान में CRPF यानी कि केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। BSF के पिछले चीफ, जिनका नाम था पंकज कुमार सिंह, 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हो चुके हैं, उससे तभी से यह पद खाली है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसमें पूछा गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो किसने इस्तीफा दिया है? गुरबचन सिंह रंधावा। कौन? गुरबचन सिंह रंधावा। तो गुरबचन सिंह रंधावा ने 18 साल के कार्यकाल के बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रंधावा 1962 के एशियाई खेलों में डेकोथलोन में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम, टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम खिताब है, यह खिताब वर्ष 2023 में किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। तो नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उनका 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। नोवाक जोकोविक अपने 23वें ग्रैंड स्लैम के साथ राफेल नडाल, जिसने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, रोजर फेडरर, जिसने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसमें चारों ग्रैंड स्लैम आ जाते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इन दोनों से आगे निकल चुके हैं नोवाक जोकोविक, जिसने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो महिला फ्रेंच ओपन में इगा स्वोटेक,
इगा स्वियातेक ने अपना तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने करोलिना मुचोवा को मात दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 11 जून से लेकर 20 जून तक का करंट अफेयर कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।